यहाँ हम देखते हैं प्रवर्तक के प्रकार, अर्थात कितने प्रकार के प्रवर्तक होते हैं जो कंपनी के प्रवर्तन संबंधी कार्यों को करने वाले लोग। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रवर्तक हमारे सामने हैं। जैसे नंबर एक है पेशेवर प्रवर्तक। पेशेवर प्रवर्तक से आशय पेशेवर, जिनका यह व्यवसाय होता है, जिनका यह बिजनेस होता है या जिनका यह काम होता है, वो कहलाते हैं पेशेवर प्रवर्तक। तो एक पेशेवर प्रवर्तक जो है कंपनी का प्रवर्तन करता है और प्रवर्तन करने के पश्चात उसकी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट उसके निदेशक मंडल के सदस्यों को सौंप देता है। अर्थात पेशेवर प्रवर्तक जो है क्या करता है, कंपनी का प्रवर्तन का कार्य करता है और सारा कार्य कंप्लीट होने के पश्चात उसका नियंत्रण और प्रबंध निदेशक मंडल को सौंप देता है। उसका हित जो होता है कंपनी प्रवर्तन प्रक्रिया तक ही सीमित होता है। अर्थात कंपनी का जैसे ही प्रवर्तन पूर्ण हो जाता है वहाँ उसका कार्य खत्म हो जाता है और इस सेवा के बदले वो कंपनी से क्या लेता है, पारिश्रमिक लेता है। तो ऐसे पेशेवर कहलाते हैं, ये प्रवर्तक कहलाते हैं पेशेवर प्रवर्तक। दूसरा प्रकार है इसमें आकस्मिक प्रवर्तक। ऐसे व्यक्ति जो विशिष्ट कंपनी के प्रवर्तन के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका निर्माण हो जाने के पश्चात पुनः अपने मूल व्यवसाय में लग जाते हैं, आकस्मिक प्रवर्तक कहलाते हैं, जो अचानक प्रकट होते हैं। तो आकस्मिक प्रवर्तक अर्थात जो अपना पहले से मूल व्यवसाय कर रहे हैं फिर किसी विशिष्ट कंपनी की प्रवर्तन के लिए अचानक आगे आते हैं, उसकी प्रवर्तन संबंधी उसका कार्य करते हैं और पुनः कार्य होने के उपरांत अपने वापस व्यवसाय में चले जाते हैं, वो कहलाते हैं आकस्मिक प्रवर्तक। फिर है उद्यमी प्रवर्तक। इसमें वे प्रवर्तक आते हैं जो अपने विचार के अनुरूप किसी कंपनी का प्रवर्तन करते हैं तथा इसकी व्यवस्था करते हैं। उद्यमी प्रवर्तक अर्थात जो कि स्वयं अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से कंपनी को के प्रवर्तन संबंधी कार्य करता है और आगे भविष्य में भी कंपनी का संचालन करके लाभ प्राप्त करता है। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंपनियां जो पूर्व में स्थापित हुई उन्हीं का विकास जो है उद्यमी प्रवर्तकों के द्वारा ही किया गया, जो कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में परिवर्तित हो चुके। फिर चौथा प्रकार है वित्तीय प्रवर्तक। वित्तीय प्रवर्तक अर्थात जो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे रहते हैं, तो कभी कभी विनियोग के लिए जब वातावरण काफ़ी उपयुक्त तो होता है, बेहतर होता है, तब ऐसे अवसर का लाभ उठाने के लिए कुछ वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंकर आदि हो गए, ये नए उद्यमों को प्रमोट करती हैं। इन्हें वित्तीय प्रवर्तक कहते हैं, अर्थात जो पूंजी लगाने में सक्षम होता है, व्यवसाय की स्थिति को देख कर वातावरण बेहतर होता तब ऐसी स्थिति में वो यहाँ पूंजी लगा के नए उद्यमों को जन्म देते हैं, ये वित्तीय प्रवर्तक कहलाते हैं। फिर इंजीनियरिंग फर्म एवं निर्माता, कभी कभी अपने निजी हित की दृष्टि से इंजीनियरिंग फर्म या निर्माता ऐसी कंपनियों का प्रवर्तन करते हैं जो उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक बनकर मांग सृजित कर सकें, इससे उनकी वस्तु विक्रय की समस्या दूर हो जाती है। फिर इसके बाद सरकार देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से अनेक व्यावसायिक संस्थाओं का प्रवर्तन करती है। भारत में भी केंद्र व राज्य सरकारों ने अनेक औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं का प्रवर्तन किया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो है विभिन्न व्यावसायिक औद्योगिक केंद्र बनाए गए हैं जो कि आगे आने वाले उद्यमियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो सरकार भी जो है प्रवर्तक का कार्य करती है। तो ये कुछ प्रकार थे जो कि प्रवर्तन का कार्य करते हैं, ये कहलाते हैं प्रवर्तक के प्रकार। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रवर्तक के कार्य कौन कौन से हैं। एक प्रवर्तक को जो है कंपनी के प्रवर्तन के समय कौन कौन से कार्यों को करना होता है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक संस्था स्थापित करने का विचार एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के दिमाग में आता है जो कि नई कंपनी के रूप में होता है या कंपनी के विस्तार के रूप में होता है या दो कंपनियों के विलय के रूप में हो सकता है, जिस पर प्रवर्तक गहराई से विचार करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विचारों को जन्म दिया जाता है और जन्म होने के पश्चात इसमें जो है
कोई नई कंपनी के रूप में या किसी स्थापित कंपनी को विस्तार के रूप में उसको बढ़ाने के लिए या कभी दो कंपनियों को एक साथ मिलाने के लिए प्रवर्तक यहाँ पर गहराई से विचार करता है। तो सबसे पहला कार्य हो गया उसको विचारों की अवधारणा या विचारों को जन्म देना। दूसरी बात आती है खोज और जांच पड़ताल। नए विचार की अवधारणा के पश्चात उससे संबंधित सभी बातों की विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो प्रवर्तक को इन बातों पर मुख्य तौर पर विचार करना होता है कि जैसे पूंजी लागत की गणना करना होती है, कितनी पूंजी उसको लगेगी, संभावित सकल लाभ का अनुभव, तो यहाँ पर कितना उसको सकल लाभ प्राप्त हो सकता है इसका अनुमान उसको लगाना, साथ ही संचालन लागत की गणना करना कि व्यवसाय को संचालित करने में क्या कितना खर्च होगा ये सब देखना। तो यहाँ ये जो देखा जाता है इस पर विनियोजित पूंजी पर ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा, संचालन लागत आदि के भुगतान उसको कितना करना पड़ेगा, इन सब को करने के पश्चात वो अंशधारियों को लाभ दे सकता है अथवा नहीं दे सकता, ये सब खोज और जांच पड़ताल के अंतर्गत दूसरे बिंदु पर उसको गहनता और गंभीरता के साथ विचार करना होता है। फिर तीसरा बिंदु जो इसमें आता है व्यावसायिक तत्वों का संयोजन। तो प्रवर्तक जांच पड़ताल के पश्चात व्यवसाय की व्यवहारिकता के संबंध में जब आश्वस्त हो जाता है तो वो कंपनी को मूर्त रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाता है। इससे संबंधित जो आवश्यक तत्व हैं उनको वो एकत्र करता है। तो यहाँ पर अनुसंधान एवं जांच पड़ताल उपरांत उसे व्यवसायिक तत्व, जैसे व्यवसाय कहाँ संचालित होगा, किस स्थान पर होगा, उस स्थान का चुनाव करना, उसकी व्यवस्था करना, फिर प्लांट मशीनरी और अन्य उपकरणों की उसको व्यवस्था करना, उसको संयोजित करना, फिर साथ ही कर्मचारी जो उसको लगेंगे उनका चुनाव करना, फिर उत्पादन से संबंधित बहुत सारे जो बाह्य कार्य हैं उनको यदि कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे देना है उनसे संपर्क करना, इन सभी तत्वों को क्या करता है, संयोजित करता है, एकत्रित करता है, इनको समन्वित करता है। तो ये कहलाता है व्यावसायिक तत्वों का संयोजन। इसके बाद बात आती है वित्त की व्यवस्था। सभी आवश्यक तत्वों की व्यवस्था करने के उपरांत जो है कंपनी को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक वित्त की उसे आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता का उसको सही सही अनुमान लगाना और उसकी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कंपनी जो है सफल नहीं हो पाती। तो वित्त की व्यवस्था करना उसको, फिर प्रारंभिक अनुबंध। अब प्रारंभिक अनुबंध क्या है, इसके अंतर्गत जो है समामेलन के पश्चात इन कंपनी अनुबंधों पर जो है सहमति प्रदान करता, विभिन्न पक्षों से उसको क्या करना पड़ता है, अनुबंध करना पड़ता है जो व्यवसाय से जुड़े हुए सभी पक्ष हैं। तो यहाँ पर उन सबसे अनुबंध करता है, यदि इन अनुबंध पर कंपनी सहमत नहीं होती है तो प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से इनके लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ प्रारंभिक अनुबंध करना, फिर दस्तावेज तैयार करना। अब यहाँ पर प्रवर्तक को कुछ आवश्यक दस्तावेज जो हैं जैसे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण आदि उसको तैयार करने होते हैं। ये दस्तावेज जो हैं समामेलन प्रमाण पत्र एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इन दस्तावेजों को तैयार करना, फिर अंतिम है यहाँ नाम का चुनाव व नियुक्ति करना। तो प्रवर्तक को जो है कंपनी के नाम का चुनाव करना होता है जो कि कंपनी के सीमा नियम की धारा या नाम वाक्य में लिखना होता है। तो नाम का चुनाव करना, फिर नियुक्ति करना, जो प्रवर्तक हैं, जो बैंकर्स हैं जो पूंजी उपलब्ध कराएंगे, ब्रोकर हैं, अधिवक्ता हैं, अभिगोपनकर्ता हैं, इनको क्या करना, नियुक्त करना, इनकी कंपनी जो है इनको नियुक्त करके इनकी नियुक्ति को मान्यता देती है। इस प्रकार से यहाँ हमने देखा कि एक प्रवर्तक जो होता है प्रवर्तन से संबंधित उपरोक्त कार्यों के साथ साथ साधन एकत्र कर अपने स्वप्न को पूरा करता है। तो ये थे प्रवर्तक के कार्य। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु जो है वो है कंपनी का समामेलन। तो अभी पहला बिंदु जो था कंपनी का प्रवर्तन के बारे में हमने जाना, अब दूसरा बिंदु जो आता है कंपनी के निर्माण से संबंधित कंपनी का समा
मेलन। समामेलन क्या कहलाता है? एक कंपनी के समामेलन से आशय। कंपनी का कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक निर्गमित संस्था के रूप में पंजीकरण से है। अतः एक कंपनी के समामेलन से आशय कानूनी व वैधानिक दृष्टि से कंपनी की स्थापना से होता है। जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता तब तक कंपनी अपने वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इस प्रकार कंपनी के समामेलन से आशय क्या है? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण से। तो जब तक कंपनी का समामेलन नहीं होता तब तक कंपनी अपने वैधानिक अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकती। अब यहाँ हम देखेंगे जब यदि एक कंपनी को अपने कंपनी का समामेलन कराना, उसका पंजीयन कराना है तो उसके लिए उसको क्या क्या आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें पहला है रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक प्रलेखों को जमा करना, उसके पश्चात जो निर्धारित शुल्क है पंजीयन से संबंधित उसका भुगतान करना, तीसरा फिर पंजीकरण से संबंधित कार्रवाई है, और चौथा फिर उसको समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंपनी का जो समामेलन है वो चार रूप में, कदम के रूप में यहाँ पर होता है, जिसमें हम सबसे पहला यहाँ अध्ययन करते हैं रजिस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक प्रलेख जमा करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस राज्य में कंपनी का मुख्यालय स्थापित करना है उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास हमें निम्नलिखित प्रलेखों को क्या करना होता है? जमा करना होता है, जिसमें नंबर एक है पार्षद सीमा नियम। इसमें कंपनी के उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। तो पार्षद नियम सीमा नियम एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस प्रलेख में कंपनी के जो उद्देश्य है, कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है, उसको स्पष्ट रूप से इसमें लिखा जाता है। फिर दूसरा जो है पार्षद सीमा अंतर नियम। ये जो है पार्षद सीमा नियम के बाद पार्षद अंतर नियम तैयार किया जाता है। इसमें कंपनी का संचालन किस प्रकार से होगा इस संबंध में आवश्यक नियमों का उल्लेख होता है। और जिस प्रकार से पार्षद सीमा नियम में निदेशकों के हस्ताक्षर होते हैं, इस पार्षद सीमा अंतर नियम में भी कंपनी के संचालकों के, निदेशकों के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। फिर तीसरा बिंदु इसमें आता है अधिकृत पूंजी। कंपनी की अधिकृत पूंजी का पूर्ण विवरण तैयार कर यहाँ पर जमा करना होता है, अर्थात कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी इसका उल्लेख इसमें करना होता है। फिर निदेशकों की लिखित सहमति, जो कंपनी के निदेशक हैं उन सबकी लिखित सहमति होना आवश्यक है कि उन्होंने कंपनी के निदेशक बनना जो है वो स्वीकार किया है। साथ ही सहमति के साथ उनके नाम, उनके पते की सूचना उसमें जमा करनी होती है। फिर इसके बाद बात आती है पंजीकृत कार्यालय की सूचना। अब उस कंपनी का जो पंजीकृत ऑफिस है, रजिस्टर्ड कार्यालय जो है इसका मेन ब्रांच जो है वो कहाँ होगी, लिखित में रजिस्ट्रार के पास यहाँ पर उसको जमा करनी होती है। यहाँ पांचवा हो गया आपका पंजीकृत कार्यालय की सूचना, अर्थात जो पंजीकृत कार्यालय है उस कंपनी का, उसका पता कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, लिखित में रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। और आवश्यक प्रपत्रों के अंतर्गत अंतिम जो है संवैधानिक घोषणा। रजिस्ट्रार के पास निदेशकों को एक वैधानिक घोषणा भी जमा करनी होती है। इस घोषणा में कंपनी की स्थापना से संबंधित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, ये निर्देशकों के द्वारा एक घोषणा उनको करनी होती है जो कहलाती संवैधानिक घोषणा। तो ये रजिस्ट्रार के पास जो आवश्यक प्रलेख जमा करते हैं ये वो प्रपत्र हैं जिनमें हमने देखा अभी पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, साथ ही कंपनी की जो अधिकृत पूंजी होगी उसका विवरण, निदेशकों की लिखित सहमति उनके नाम व पते सहित, साथ ही पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा इसकी सूचना, और अंत में यहाँ पर संवैधानिक घोषणा की कंपनी के कार्रवाई से संबंधित जो औपचारिकताएँ हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं, ये वैधानिक घोषणा कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा कदम है समामेलन का वो है निर्धारित शुल्क का भुगतान।
अब यहाँ समामेलन से संबंधित जो भी निर्धारित शुल्क है, पंजीयन शुल्क है, वो समस्त दस्तावेजों के साथ जो पंजीयन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसको जमा किया जाता है। साथ ही पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम पर जो स्टाम्प फीस जमा करना है वो भी जमा की जाती है। अर्थात पंजीयन से संबंधित जो भी निर्धारित शुल्क निर्धारित है उस शुल्क को निदेशकों के द्वारा जमा किया जाता है। फिर तीसरी कार्रवाई यहाँ पर होती है पंजीयन की कार्रवाई। जब यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज जमा हो जाते हैं, निर्धारित शुल्क जो है वो जमा हो जाता है, तब रजिस्ट्रार जो है पंजीयन की कार्यवाही यहाँ प्रारंभ करता है। तो कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के स्थापना से संबंधित समस्त वैधानिक औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर समस्त जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनकी जांच करके पूर्ण रूप से जब संतुष्ट हो जाता है तो रजिस्टर में अपनी कंपनी का नाम क्या कर लेता, दर्ज कर लेता है। ये कहलाती है पंजीयन की कार्यवाही। अर्थात समस्त दस्तावेजों से संतुष्ट होने के पश्चात रजिस्ट्रार जो है वो अपने रजिस्टर में कंपनी का नाम दर्ज कर लेता है, वो कहलाता है पंजीयन। फिर अंतिम स्थिति यहाँ समामेलन की प्रमाण पत्र की। जब सारे दस्तावेजों की जांच कर लेता है, शुल्क प्राप्त हो जाता है, पंजीयन की कार्यवाही कर लेता है, रजिस्टर में अपना कंपनी का नाम दर्ज कर लेता है, तब रजिस्ट्रार जो है समामेलन का प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर और पंजीयन की सील सहित जारी किया जाता है। जिस दिन उसको समामेलन का प्रमाण पत्र कंपनी को प्राप्त हो जाता है उस दिन से कंपनी को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। और यहाँ कंपनी अर्थात कंपनी के निदेशक जो हैं कंपनी की सार्वमुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी जो है जिस दिन समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है उस दिन से अपनी कंपनी की सार्वमुद्रा सील का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि ये कंपनी को अस्तित्व में लाने हेतु समामेलन की कार्यवाही को पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ कि कंपनी का प्रवर्तन और दूसरा बिंदु जो है कंपनी का समामेलन। तीसरा बिंदु जो इसमें आता है वो व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। यहाँ पर जो कुछ अभ्यास से संबंधित प्रश्न हैं आपको कॉपी में नोट करना है इनको, कि नंबर एक है कंपनी के प्रवर्तन से क्या आशय है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। साथ ही एक कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तक से आशय, प्रवर्तक कौन है, उसकी परिभाषा और प्रवर्तकों के जो प्रकार हैं इनको आपको समझाना है। जो अभी मैंने बताया था कि पेशेवर प्रवर्तक हो गए आपके और जो भी हैं ये, इनको आपको प्रकारों को इनको समझाना है। फिर इसके बाद एक प्रवर्तक को कंपनी की स्थापना करने के लिए कौन कौन से आवश्यक कार्य करने होते हैं। तो यहाँ पर जब कंपनी की स्थापना करने का विचार प्रवर्तक करता है तो उसको सबसे पहले कौन कौन से आवश्यक कार्य करने होते हैं, जैसे विचारों को जन्म देना, खोज करना, जांच पड़ताल करना, फिर जो व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न आवश्यक तत्व हैं उनको एकत्रित करना, पूंजी की व्यवस्था करना, आवश्यक दस्तावेज तैयार करना आदि, ये उसके क्या हैं, प्रवर्तक के स्थापना से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्य हैं। इनको कार्यों को लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है एक कंपनी के समामेलन से क्या आशय है, अर्थात कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनी का जो पंजीयन होता है वो समामेलन कहलाता है। तो क्या अर्थ है कंपनी के समामेलन से, इसको लिखना है आपको। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है कंपनी के समामेलन के लिए वैधानिक रूप से उठाए जाने वाले कदमों को समझाइए। तो जब कंपनी के समामेलन करने के लिए प्रवर्तक जो है आवश्यक दस्तावेजों को, प्रलेखों को, जिसमें पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, अधिकृत पूंजी आदि होते हैं, इनको जब रजिस्ट्रार के पास जमा करता है, साथ ही निर्धारित फीस वगैरह जमा करता है, पंजीयन की कार्रवाई होती है, समामेलन का उसको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ये वैधानिक रूप से उठाए जाने वाले कदम हैं। तो कंपनी के समामेलन के लिए वैधानिक रूप से उठाए जाने वाले कदमों को आपको समझाना है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के निर्माण के अंतर्गत कंपनी का प्रवर्तन और कंपनी के समामेलन से जुड़े हुए बिंदुओं का हमने यहाँ पर अध्ययन किया।